हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, ये मेरी वाइफ कोयल हैं और हमारी शादी को समथिंग 3 साल हो चुके हैं। जो लोग हमें काफ़ी पुराने टाइम से देख रहे हैं उन सभी को पता होगा। सो गाइस, हमें एक बेबी भी है जो कि समथिंग अभी 7 महीने का है और स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं ये हमारे बेबी का फोटो है। सो गाइस, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग प्रेगनेंट होते हैं, यानी जो महिलाएँ प्रेगनेंट होती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि भैया हमें बताइए कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बच्चे की जो धड़कन होती है वो कब आती है, या फिर हम कब अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, हम कब चेक करवा सकते हैं बेबी की हार्ट बीट को, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमारे बेबी की जो कंडीशन है वो ठीक है या नहीं है। तो मोस्टली आज का जो सवाल है वो यही रहेगा। सो गाइस, देखिए आज की इस वीडियो को हम यहीं से शुरू करेंगे और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना अगर आप ये जानना चाहती हैं आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है आपको कब पता चल सकती हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। सो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑल पर कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके चैनल पर या फिर आपके मोबाइल पर मिल जाए। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, काफ़ी सारी महिलाएँ जानना चाहती हैं, क्योंकि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अल्ट्रासाउंड में देखने का, उसकी धड़कन को सुनने का, महसूस करने का बहुत बहुत रहता है, मतलब कि बस उसको पता चलना चाहिए उसका बेबी कैसा है। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड ये हम कब करवा सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, हार्ट बीट जो बच्चे की आती है वो आती है कम से भी कम 8 सप्ताह के बाद, यानी कि आपके बच्चे की जो हार्ट बीट आएंगी वो आएंगी कम से भी कम 35 से 40 दिन के बीच। इसी के दौरान कभी भी हार्ट बीट आ सकती है, मतलब 35 और 40 दिन से पहले कभी भी हार्ट बीट नहीं आएंगी, जो हार्ट बीट आएंगी वो बाद में ही आएंगी 35 से 40 दिन बाद। तो अगर आप ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना चाहती हैं तो आप मोस्टली अपने डॉक्टर से पूछ भी सकती हैं, या फिर आप 40 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड भी करवा सकती हैं अपने बच्चे के हार्ट बीट चेक करने के लिए। मोस्टली देखिए, बहुत सारी महिलाओं को या बहुत सारे केसेस में ऐसा पाया जाता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आती नहीं है। कंडीशन क्या होता है कि बहुत टाइम निकल जाता है कि 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो बच्चा ख़राब हो जाता है या फिर हमें उसकी सफाई करवानी पड़ती है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड है आपको ज़रूर करवाना चाहिए 40 से 45 दिन के बाद, मोस्टली आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे की जो कंडीशन है वो कैसी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू टू ऑल।